टोटल एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर एक सेटेलाइट एच हाइट पर मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी, तो इसके पास कौन सी दो एनर्जीज होंगी? एक तो पोटेंशियल हाइट की वजह से और एक काइनेटिक। और ये वी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि सेटेलाइट इस ऑर्बिट में पार्क हो गई, जैसे गाड़ी पार्क होती है सेटेलाइट पार्क हो जाती है। ठीक, तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ऑर्बिटल का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, अभी किया हमने, वेयर एम इज मास ऑफ सेटेलाइट की अर्थ, पर हम तो वेलोसिटी ऑर्बिट सेटेलाइट की निकाल रहे हैं, तो भी अर्थ, अर्थ का मास है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, सेटेलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मास कैंसिल हो चुका है ऊपर। सेटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी या टाइम पीरियड फर्क डालती ही नहीं है, मास ऑफ सेटेलाइट से इंडिपेंडेंट है, हर ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ प्लैनेट ही आता है। तो ये वेलोसिटी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला एच हाइट पर क्या होगा? माइनस जी एम ए बाई आर प्लस एच। काइनेटिक क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी ऑर्बिटल है हमारे पास, वेलोसिटी को पुट कर दिया, टू आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया अंडर रूट, ये आपके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई, जरा ध्यान से देखना इस वैल्यू को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इन्हें ऐड करके, जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो इन्हें ऐड करके ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, जो टोटल एनर्जी है इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टोटल एनर्जी की जगह लिखो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखो माइनस जी एम एम, ये स्टेटमेंट लिख लेना प्लीज, यहां पे लिखनी है आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखना जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर प्लस एच, ये लिखो पहले स्टेटमेंट। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक लिखना, टोटल का फॉर्मूला लिखना, पोटेंशियल लिखना और काइनेटिक लिखना। तो अब इसके अंदर एक चीज जरा ध्यान से देखना, ये क्या एनर्जी है? टोटल, ये लो ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, ये क्या एनर्जी है? टोटल। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखने में एक जैसी है, सिर्फ अंतर किसका है? माइनस का। तो रिलेशन बनाए, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे ये तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए भी किया था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए रिजल्ट लगते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन भी तो सेटेलाइट है न्यूक्लियस की, तो वही तो रिजल्ट है जो तुमने रेडियस के वेलोसिटी की डेरिवेशंस की होंगी, वो यही तो थी, सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करते रहे, वो आंसर आता रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है सारा। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्जेस की फोर्स है, कोई बात नहीं, बट बेसिक फॉर्मूला तो वही आ रहा है इन दी एंड। उसी तरीके से अगर मैं टोटल और कनेक्ट पोटेंशियल को देखूं तो क्या बोलूंगा? टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टू, सही लिखा, टोटल देखो ना और पोटेंशियल में डिवाइडेड बाय टू, इसे नोट कर लें। ठीक है, यहां तक